सही बात है कि अगर हम अपने से कमजोर लोगों को साथ ले चलने की क्षमता नहीं रखते हैं, उनके दुख में हमको दुख नहीं होता है, उनके दर्द में हमको दर्द नहीं होता है, तो हम क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं है। आप किसी आदमी से ऐसी भावना लेकर के जाएंगे, मिलेंगे, या आपके मन में ऐसी बात भी होगी, तो आप उसको कभी नहीं अपना पाएंगे, ना वो आपको अपना कह सकेगा। उसकी नजर में आपका सम्मान, आपके प्रति स्नेह नहीं बढ़ेगा। अगर हम भाई की तरह उसको अपनाने की शक्ति, अपनाने की ताकत रखते हैं, ये सही बात है कि आज तोप, तलवार और राइफल बंदूक का जमाना नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। इसमें आपका असली बल ये है कि आपके साथ कितना जनमानस है, आपकी बात कितने लोग सुनते हैं, आपको कष्ट हो तो कितने लोग आपके साथ कराहने वाले हैं। और ऐसे बुरे वक्त पर, ऐसे अंधेरे के समय, जब परछाई भी साथ छोड़ दे, तो कितने लोग हैं जो आपके साथ चलने को, आपका दुख दर्द बांटने को तैयार होते हैं। इसमें आपकी जीत। अक्सर क्षत्रिय महासभा में आप सब लोग गए हैं, मैं भी जाने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। ओजस्वी भाषण दिए जाते हैं, तालियां बटोरी जाती हैं, लोग शेर व शायरी पढ़ते हैं, और जाते समय उन सारी बातों को भुला दिया जाता है। और कारण क्या है कि हमारा इतिहास इतना गौरवशाली रहा है। महाराणा प्रताप की हम बात करते हैं, महाराणा प्रताप हमारे प्रातः स्मरणीय हैं। क्षत्रिय वंश में उनसे प्रतापी राजा, भगवान नाम तो ईश्वर थे, उनसे प्रतापी राजा अधिकांश लोग सहमत होंगे कि दूसरा कोई नहीं हुआ। लेकिन क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं कि जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे तो एक भी क्षत्रिय वंश उनके साथ नहीं था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, आमेर, जैसलमेर, जितने महाराज थे, सबकी सेनाएं अकबर की सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके महाराणा प्रताप के सामने आकर के लड़ने को खड़ी थी। क्या ये इतिहास हमने नहीं पढ़ा? क्या हमने ये नहीं पढ़ा कि महाराणा प्रताप जब घास की रोटी खा रहे थे, उनकी मदद के लिए भामा शाह आए, उन्होंने अपना जो भी खजाना था उसका पूरा मुंह खोल दिया। वो एक व्यापारी थे जिसको आज हम वैश्य या बनिया कहेंगे। क्या हम ये भूल जाएंगे कि समाज की अंतिम पंक्ति में रहने वाले भील, कोल, आदिवासी, ये सब अपने टूटी फूटी धनुइयां और मोथरी तलवारें लेकर के महाराणा प्रताप के साथ मुगलिया फौज से टकराने का हिम्मत किया और अपने पूरे प्राणों की आहुति दे दी? उस समय ठाकुर कहां? ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि महाराणा प्रताप जैसा महानायक आज अपनी मृत्यु के 450 वर्ष बाद क्षत्रियों का नेता जरूर बन गया, लेकिन अपने जीते जी महाराणा प्रताप क्षत्रियों के नेता नहीं बन पाए। हर एक ठाकुर की तलवार उन पर तनी रही, कोई एक गिलास पानी पूछने वाला नहीं था उनको। क्या हम इस पर चिंतन नहीं करेंगे? ये तो बड़ा गंभीर विषय छेड़ दिया गया है।